मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच। आज की वीडियो में आपको ग्लिसरीन से क्रीम बनाने का तरीका सिखाएंगे। ग्लिसरीन स्किन के लिए कितनी जबरदस्त चीज है, इस पर कभी मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी और आपको इसके बहुत सारे फायदे बताऊंगी। तो चलिए जल्दी से क्रीम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल चाहिए। एक चम्मच एलोवेरा जेल का लेंगे। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी अच्छे ब्रांड के एलोवेरा जेल ले लें और उसका एक चम्मच जो है वो शामिल करेंगे क्रीम में। लेकिन पहले आप उसका चम्मच शामिल कर लें, क्योंकि इस तरह से कि एलोवेरा जेल गर्मी की वजह से बहुत जल्द मेल्ट हो जाती है और ये बजाय क्रीम बनने के सीरम बन जाएगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आप बनाने के बाद इस क्रीम को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। एक चम्मच एलोवेरा जेल और एक चम्मच दूध का शामिल करेंगे। अगर आप कच्चा दूध लेंगे तो ये 2-3 दिन निकालेगी, अगर आप उबला हुआ दूध ले लेंगे तो आपके 7 दिन ये क्रीम आसानी से फ्रिज के अंदर निकाल जाएगी। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ग्लिसरीन का शामिल करेंगे। ये हर तरह की स्किन को सूट करेगा। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे वगैरह भी होंगे तो ग्लिसरीन की मदद से खत्म हो जाएंगे और आपकी जल्द एकदम से चमकदार और साफ सुथरी हो जाएगी। चेहरे पर किसी भी किस्म के निशान उनको खत्म करने के लिए भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें ग्लिसरीन का मिलाऊंगी। आप चाहें तो इसमें एक कैप्सूल इवियन यानी विटामिन ई का भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मिलाना चाहें तो नासिक चीज को बहुत सादा सा मैं बनाना चाह रही थी कि बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, कि जो नहीं भी बना सकते ज्यादा चीजें लाने की वजह से किसी को कोई एक आध इंग्रेडिएंट लाजमी है कि नहीं मिलता। ये तमाम चीजें आपको घर के अंदर ही मिल जाएंगी, लेकिन अगर इतनी सादा सी क्रीम से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए तो हमें बहुत सारा जो है वो चीजें शामिल करने की जरूरत नहीं। इस क्रीम को आपने नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि रात को इसको इस्तेमाल करें और सारी रात लगा रहने दें। अब इसमें मैं तकरीबन 10 से 15 कतरे कोकोनट ऑयल के शामिल करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना कि इसको शामिल करना लाजमी है। लेकिन अगर आप शामिल करेंगे तो आपकी व्हाइटनिंग और बढ़ जाएगी। ऑयली स्किन वाले ऑयल चाहे तो ना इस्तेमाल करेंगे, मर्जी है आपकी, ऑप्शनल है। शामिल करना चाहे तो बेस्ट है, नहीं करें। देखो कि आप तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे फ्रिज भी थोड़ी सी पतली है, बट डोंट वरी, आप तकरीबन आधा घंटा इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो शक्ल में आ जाएगी। रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें और अपने चेहरे पर इस क्रीम को लगाएं जिस तरह से नाइट क्रीम लगाते हैं। 1 मिनट बस मसाज करेंगे स्किन के अंदर जजब हो जाए, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 1-2 मिनट के बाद ये स्किन के अंदर खुद ब खुद जजब हो जाएगी कि आपको इसका ऑयल भी नजर नहीं आएगा। ये जरा भी ऑयली नहीं है, चिपचिप भी नहीं करेगी, स्किन के अंदर जजब हो जाएगी। 7 दिन आप इसको इस्तेमाल करें। 7 दिन के इस्तेमाल के बाद 7 दिन तक रिजल्ट तो आएगा ही, आप इसको छोड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि इसके डे बाय डे रिजल्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। और ये ऐसी नेचुरल क्रीम है कि जिससे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बॉयज भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेरे बताने से नहीं आपके इस्तेमाल करने से आपको पता चलेगा। तो वीडियो हमारी खत्म हो चुकी है और आप लोगों ने इसे लाजमी शेयर करना है, मुझे फीडबैक भी देनी है और नए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, क्योंकि आसान हो रही है और मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से लेसन बताते हैं। अपनों से इतनी शिकायतें मत किए कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शिकायतों को दूर करते करते वो खुद ही आपसे दूर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होगी। तब तक के लिए अल्लाह। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप